हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नवीन इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन। आज हम आपको इस फर्राटे के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फर्राटा है जो कि चल नहीं रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या त्रुटि है। ये है, ये वायर भी खुला है और ये कैपेसिटर का हो गया। मेन वायर भी लगा, ये के पोल छटका हुआ है। आप देखिए रोटरी स्विच में भी वायर सही से नहीं जुड़ा है। अब पहले हम इसे टेस्टिंग लैंप से चेक करते हैं, इसका कॉइल तो नहीं जला है, फिर हम आपको दिखाते हैं, इसमें बताते हैं। पहले कॉइल को चेक करते हैं इसके कि कॉइल सही है कि नहीं सही है, फिर कनेक्शन करेंगे। कॉइल सही होती है तो कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन भी अधूरा है तो हम इसका अब चेक करेंगे, कॉइल चेक करेंगे सही है कि नहीं। मैंने इसे सीरीज में लगा लिया है जो कि अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मेन वायर में ये ब्लू कलर इसमें लगा दिया हूँ, एक वायर लगा दिए, इसको पहले हम चेक करते हैं। देखो बल्ब जल रहा है। फिर अब इसकी हम एक एक वायर, तीन वायर और चेक करते हैं स्पीड का। एक ये पीला आया है, इसमें लगाते हैं। देखिए फैन हल्का हल्का चल रहा है और बल्ब भी ग्लो कर रहा है। फिर रेड कलर है तो इसमें इसमें लगाते हैं, इसमें बल्ब थोड़ा स्लो जल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अब हम ये ब्लैक वायर बचा है तो इसमें टेस्ट करते हैं। यह तब भी फैन चल रहा है, यानी कि सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई इसका सही है। इस पर सीरीज में चल रहा है तो हल्का स्लो चलेगा। तो अब हम वायर चेक कर लेते हैं, ये वायर इसका सही है कि नहीं है। जो वायर लगा है ये कि ब्लैक, यहाँ ब्लैक में जोड़ा गया है जो कि मेन केबल है, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस ब्लैक से टेस्टिंग लैंप से चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं, ब्लैक वायर मैंने जोड़ा जो कि जल नहीं रहा है, इसमें ब्लैक वायर में कनेक्ट है ये, तो यानी कि ब्लैक वायर ब्रेक है। अब रेड वायर चेक कर लेते हैं। ये देखिए रेड वायर मैंने टच किया और इधर इधर देखिए ये रेड वायर मैंने ज्वाइंट कर दिया है सीरीज का तार जो कि ग्लो कर रहा है। ब्लैक वायर ब्रेक है, ब्लैक वायर को यानी कि हम वायर पहले इसको चेंज कर देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कैपेसिटर सही है कि नहीं सही है। तो फ्रेंड्स ये तार पूरा स्टार्ट हो चुका है इसमें जो लगा था, तो ये देखिए काट कर मैंने निकाल दिया। अब इसमें हम नया वायर लगाते हैं तो चेक करते हैं। फ्रेंड्स मैंने इसका वायर सब बढ़िया से टाइट कर दिया है। देखिए आप ये ब्लैक वायर भी लगा दिया है, ये लगा दिए रेड वायर लगा दिए लो, और ये हो गया मेन वायर जो कि जाएगा लाइट में, और ये मेन वायर जो कि इसके ब्लू वायर में मेन वायर में लगा दिया गया है, और रेगुलेटर में एक मेन वायर, और बाकी तीन हो गया आपका वो क्या बोलते हैं स्पीड के लिए। तीन वायर लग गया, ब्लैक येलो रेड, ये स्पीड के लिए हो गया, और एक ये तैयार ब्लू वायर ये मेन के लिए। मेन वायर में ये दोनों जोड़ दिया गया है जो कि मैंने मेन वायर 1 mm लगा दिया है वायरिंग वाला जिससे कि ख़राब ना हो। ये वायर था जो कि ख़राब हो चुका है। अब इसको पहले हम लाइट में लगा के चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो कि मैंने लाइट में लगा दिया। फैन बहुत अच्छी तरह से मूविंग कर रहा है, चल रहा है, फैन अच्छे से चल रहा है, वर्क कर रहा है। इसमें वायर का फॉल्ट था तो मैंने वायर चेंज कर दिया। इसका कनेक्शन अच्छी तरह से कर दिया है जो कि बिखरा हुआ था सारा कनेक्शन। तो अब इसको हम फिट करते हैं पूरा, जो कि मैंने वायर इसमें से निकाल लिया है। अब इसमें पैक करते हैं। तो ये पैक इसको बोल्ट, इसका बोल्ट भी खो गया है तो बोल्ट इसमें दूसरा नया लगाएंगे।
तो मैंने इसको सेट कर दिया अच्छी तरह से। लगता भी नहीं हो रहा है। अब इसको चलाते हैं। वायर में पहले टेपिंग कर देते हैं क्योंकि ये सिंगल वायर है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें वायर को टेपिंग भी कर दिया, इसमें एक प्लग टॉप भी लगा दिया, इसको सब सेट कर दिया। अब इसको हम चला के चेक करते हैं। ये भी लगा दिया, अब इसको लगाते हैं। अब ये वर्किंग कर रहा है अच्छे से, फैन चलने लगा है। नवीन इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।